बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं टेक विद जवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम उहद की लड़ाई में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी के बारे में पढ़ते हैं। गज़वा उहद में मुसलमानों को कुछ शिकस्त हुई थी, जिसकी बड़ी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद पर अमल ना करना थी, जिसका जिक्र बाप एक किस्सा दोम में गुजर चुका। उस वक्त मुसलमान चारों तरफ से कुफार के बीच में आ गए, जिसकी वजह से बहुत से लोग शहीद भी हुए और कुछ भागे भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुफार के एक जत्थे के बीच में आ गए और कुफार ने यह मशहूर कर दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। सहाबा रिजवानल्लाह ताला अलीम अजमाइन इस खबर से परेशान हाल थे, इसी वजह से बहुत से भागे भी और इधर उधर मुतफर्रिक हो गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब कुफार ने मुसलमानों को घेर लिया और हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़र से ओझल हो गए, तो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल जिंदू में तलाश किया मगर ना पाया, फिर शहदा में जाकर तलाश किया वहाँ भी ना पाया, तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से भाग जाएँ। बज़ाहिर हक़ ताला शानु हमारे अमाल की वजह से हम पर नाराज़ हुए, इसलिए अपने पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब इससे बेहतर कोई सूरत नहीं कि मैं भी तलवार लेकर काफरों के जत्थे में घुस जाऊं, यहां तक के मारा जाऊं। मैंने तलवार लेकर हमला किया यहां तक के कुफार बीच में से हटते गए और मेरी निगाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई, तो बेहद मुसर्रत हुई और मैंने समझा कि अल्लाह जल्लो शानु ने मलाइका के ज़रिए से अपने महबूब की हिफाजत की। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हुआ कि एक जमात की जमात कफार की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के लिए आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इनको रोको। मैंने तनहा उस जमात का मुकाबला किया और इनके मुँह फेर दिए और बाज़ों को कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर एक और जमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की नीयत से बढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा फरमाया, उन्होंने फिर तनहा उस जमात का मुकाबला किया। इसके बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की इस जवां मर्दी और मदद की तारीफ़ की, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, यानी कमाल इत्तेहाद की तरफ इशारा फरमाया। इसके जवाब में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं तुम दोनों में से हूँ। फ़ायदा: एक तन्हा आदमी का जमात से भिड़ जाना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़ात को ना पाकर मर जाने की नीयत से कफार के जमगट्ठे में घुस जाना, जहाँ एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत और इश्क का पता देता है, वहाँ दूसरी जानिब कमाल बहादुरी और दलेरी और जुर्रत का भी नक्शा पेश करता है।